तो गाइज आज का जो डिस्कशन है ना वो हम आराम से बैठ के करेंगे नीचे ज़मीन पे, और मतलब चाय पीते हुए रिव्यू करेंगे आज। मतलब आज जो बात करेंगे वो हम चाय पीते हुए करेंगे, इत्मीनान से, सुकून से। कहीं जाना नहीं है, कहीं भागना नहीं है। लेकिन अभी बात करेंगे तो करेंगे किस बारे में, वो मैं आपको बताता हूँ। सो इट्स लाइक कि इट्स बीन अ मंथ्स टाइम दैट आई एम यूजिंग दिस गोप्रो विद मी, गोप्रो हीरो 9। और आफ्टर यूजिंग इट फॉर अ मंथ आई हैव ऑब्जर्व सो मेनी थिंग्स, राइट? व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दिस गोप्रो। एंड इसके साथ जो एक्सेसरीज हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे आपको पता है पहले मैंने माइक अडेप्टर लिया गोप्रो का, और उसके बाद मैंने लिया मीडिया मोड। तो मीडिया मोड क्यों लिया था और माइक अडेप्टर क्यों मैंने छोड़ा, और अभी इसको यूज़ करने के बाद मुझे क्या क्या डिफरेंस लग रहा है, मतलब माइक अडेप्टर बेहतर था या मीडिया मोड बेहतर है, आई डोंट नो। आपको इस तरह का डिस्कशन यूट्यूब पे देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, बट आई एम वेरी श्योर लोगों ने ये बताया कि गोप्रो की ऑडियो क्वालिटी कैसे बेटर कर सकते हो विद माइक अडेप्टर। या फॉरेन में ज़्यादा मीडिया मोड लोग बहुत लेते हैं, इंडिया में लोग कम लेते हैं, तो गोप्रो का भी यूटिलाइजेशन कम है इंडिया में। बट एनीवेज जो भी लेता है तो वो मीडिया मोड बहुत ज़्यादा प्रेफर नहीं करते, या तो लोगों को उसके बारे में पता नहीं है, थोड़ा सा कॉस्टली अफेयर है एज़ कम्पेयर टू यू नो माइक अडेप्टर, तो लोग नहीं यूज़ करते। तो दिस इज़ दी गोप्रो हीरो 9 वन मंथ रिव्यू विद दी आईज ऑफ योर फ्रेंड रॉकी। एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल येट, प्लीज़ सब्सक्राइब इट सो दैट आपको मेरी व्लॉगिंग और मेरे रिव्यूज़ के बारे में रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। चाय पियो, लेके बैठो, मतलब बातें ही करनी है तो चाय पी के बातें करो। खैर अभी आप लोगों ने चाय पी ली हो तो बात आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि मैं डिस्कशन कर रहा हूँ गोप्रो के बारे में और ये मैं शूट भी गोप्रो पे कर रहा हूँ, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपको गोप्रो को दिखाना भी है। तो मैं अब जो शूट करने वाला हूँ फ़ोन से शूट करूँगा और गोप्रो के बारे में डिस्कशन करते हैं। सो गाइज लेट मी इंट्रोड्यूस यू the GoPro Hero 9 that I'm using from last one month। इसका मतलब साइड का डोर हटा रखा है, उसका आपको लॉजिक बताऊंगा। बट दिस इज द GoPro Hero 9 दैट आई हैव इन ब्लैक, एंड दिस इज द तगड़ा मशीन, बहुत तगड़ी मशीन है ये, एंड स्पेसिफिकली फॉर द व्लॉगर्स। मतलब व्लॉगिंग के लिए इससे ज़्यादा कॉम्पैक्ट कैमरा आपको कोई नहीं मिलेगा। आप मतलब DSLR यूज़ करो, इतना बड़ा उसकी सेटिंग करो, माइक लगाओ, बहुत सारे आगे 50 तरीके हैं जो आपको करने पड़ेंगे। बट ये GoPro Hero 9 इज़ द ईजीएस्ट कैमरा टू कैरी, एंड दैट्स वाई इट्स सुटेबल फॉर द व्लॉगिंग। देखो GoPro के अंदर डायरेक्ट माइक लगाने का, एक्सटर्नल माइक लगाने का कोई सिस्टम नहीं है, राइट? इसका जो इनपुट है ये टाइप सी है, टाइप सी यूज़ होता है चार्जिंग के लिए पर्टिकुलरली। और यहाँ पर आपका मेमोरी स्लॉट है, यू कैन सी दैट। दिस इज द बैटरी, आप इसको पुल करके बाहर निकाल सकते हो, और मेमोरी कार्ड आप यहाँ पे डाल सकते हो, निकाल सकते हो, वट एवर यू वॉन्ट टू डू। सो अभी पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि ये माइक अडेप्टर के साथ और मीडिया मोड के साथ ये इसका ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा है। सो टू बी वेरी फ्रेंक, GoPro की वीडियो क्वालिटी इज़ वेरी गुड बट ऑडियो इज़ नॉट एट ऑल सेटिस्फैक्ट्री। सो पहले मैं यूज़ कर रहा था ये उलानजी का केस, जो कि स्पेसिफिकली फॉर GoPro Hero 9 है। सो दिस इज द साइड डोर, इसको आप पुल करके ऊपर से ओपन कर सकते हो और आप बैटरी को एक्सेस कर सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपने GoPro लिया और ऐसे नहीं डाल सकते हैं, तो GoPro को यहाँ से इसका लैच है, इसको पुल करो और ये आपका विंडो खुल जाएगा। इस विंडो में अपना GoPro आप इंसर्ट कर सकते हो, साइड का डोर आपको हटाना पड़ेगा, ये आप ऐसे डालो, इसको यहाँ से बंद करो, ये डोर आप यहाँ से बंद कर सकते हो, राइट? तो इसकी एक्सेसिबिलिटी अच्छी है, क्योंकि आपका अगर बैटरी यूटिलाइजेशन हो रहा है ड्यूरिंग व्लॉगिंग, आपका बैटरी ख़त्म हो रहा है, आप चेंज करना बैटरी, ढक्कन खोलो, बैटरी निकालो, दूसरा बैटरी लो और इंसर्ट करो, और यू आर रेडी टू व्लॉग अगेन। सो ये इसका एडवांटेज है। और जो माइक अडेप्टर होता है वो इस वाले स्पेस में लग जाता है, मेरे पास अभी नहीं है क्योंकि मैंने उसको रिटर्न कर दिया था टू दी GoPro और मैंने उसकी जगह मीडिया मोड लिया था। तो वही मैं आपको बताने वाला हूँ कि मीडिया मोड और
माइक अडेप्टर में कौन सा बेहतर है और इस उलांजी केस की यूटिलिटी एज़ कम्पेयर टू मीडिया मोड कैसी है? यूलांजी केस जो है ये बहुत बहुत स्टर्डी केस है, प्लास्टिक है, इट्स प्लास्टिक। एक मेटलिक केस भी आता है, वो इंडिया में मैंने नहीं देखा है, बट एक प्लास्टिक केस आता है और इसमें आप कनेक्टर फिट करते हो और उस कनेक्टर के अंदर मैं आपको एडिशनल पिक्स ऐड करके दिखा देता हूँ। उस कनेक्टर के अंदर आप जो माइक की वायर है, ये दिस इज द माइक वायर, इसको आप लगाते हो माइक में। अभी कैमरा में यूज़ कर रहा हूँ बट एनीवेज मैं आपको बता देता हूँ, ये जो कनेक्टर है ये आपका माइक अडेप्टर के अंदर लगता है और दूसरा साइड आपका उस एक्सटर्नल माइक के अंदर लगता है। मैं आपको दिखाने वाला हूँ और आपकी जो ऑडियो क्वालिटी है वो फार फार बेटर है फ्रॉम एनी अदर सोर्स। उसका एक ऑल्टरनेट है विच इज़ दी मीडिया मोड, तो मैं आपको दिखाता हूँ मीडिया मोड कैसा होता है। सो दिस इज़ द मीडिया मोड दैट आई बॉट फ्रॉम GoPro, दिस इज़ दी ऑफिशियल GoPro मीडिया मोड। अब इस मीडिया मोड को GoPro ने बनाया तो आई वॉज थिंकिंग कि ये माइक अडेप्टर से बेहतर होना चाहिए क्योंकि माइक अडेप्टर भी GoPro का ही है, राइट? तो इसमें एक्सेसिबिलिटी के लिए बटन है, यहाँ भी यहाँ मोड चेंज कर सकते हो, पावर ऑन पावर ऑफ का बटन है, ये शटर का बटन है या वीडियो ऑन या ऑफ करने का बटन है। और अभी आपको मिलते हैं 3 पोर्ट्स जिसमें कि अच्छी एक्सेसिबिलिटी है बोले तो। ये पहला आपका HDMI का पोर्ट है अगर आपको डायरेक्ट TV या कंप्यूटर में अपना डेटा ट्रांसफ़र करना है। ये Type-C है, इससे GoPro की बैटरी चार्ज कर सकते हो। ये आपका एक्सटर्नल माइक के लिए 3.5 mm का इनपुट है, यहाँ पे आप अपना एक्सटर्नल माइक लगा सकते हो। और एनीवेज आपको एक्सटर्नल माइक लगाना पड़ेगा क्योंकि मीडिया मोड का जो माइक्रोफोन है वो यहाँ पे, इस माइक्रोफोन में बहुत अच्छी आवाज़ नहीं है। इससे बेहतर आवाज़ तो बाय डिफ़ॉल्ट GoPro की है अगर आप नेकेड GoPro यूज़ करते हैं स्टैंड अलोन। मैंने ले तो लिया बट मैं इसे माइक अडेप्टर का ऑल्टरनेट के फॉर्म में यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं एक्सटर्नल माइक यूज़ करता ही हूँ जो मैं यहाँ पे अटैच करता हूँ, इसका और कोई ऑप्शन नहीं है। जो माइक अडेप्टर है, माइक अडेप्टर वाले केस में तो कुछ लोचा नहीं है, सीधा माइक अडेप्टर लगाओ, उसका एक पोर्ट जाता है यहाँ Type-C में और इस तरफ 2 ऑप्शंस होते हैं, एक Type-C का और एक 3.5 mm जैक का। तो 3.5 यहाँ पे लगाओ और माइक आप ऊपर अटैच करो और बोलो तो ऑडियो अच्छा आता है। Type-C भी होता है, उससे आप अपने कैमरा को चार्ज भी कर सकते हो। इसमें कुछ लोचा नहीं है ज़्यादा और इसमें क्वालिटी भी अच्छी है, ऑडियो क्वालिटी इज़ फार फार बेटर देन एनीथिंग एल्स, राइट? बट मैं आपको मीडिया मोड में इंसर्ट करके दिखाता हूँ और बताता हूँ कि क्या फीचर्स हैं उसके अंदर। दिस इज़ दी GoPro, दिस इज़ दी मीडिया मोड। अभी इसको देखते हैं कि इसको इंसर्ट कैसे करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू रिमूव द डोर ऑफ दिस GoPro और यहाँ से आप इसे करेंगे ओपन, राइट? ये आपने ओपन किया, इट इज़ क्वाइट सिंपल, राइट? ये ओपन किया और देखो ये पोर्ट्स ही है इसका, सी पोर्ट, और ये इसका कनेक्टर है। तो आप ऐसे इट इज़ एज सिंपल एज दैट, ये हो गया। लेकिन ये जितना ईजी इंस्टॉल होना है उससे ज़्यादा टफ है उसको अनइंस्टॉल करना, क्योंकि अगर आपको बैटरी चेंज करना है तो आपको अनलाइक दैट जो मैंने यूलांजी का केस दिखाया था उससे ज़्यादा टीडियस प्रोसेस है। क्यों है? देखो इसका बैटरी चेंज करना है तो मेरे पास डोर का कोई एक्सेस नहीं है इसके अंदर ना, आपको दोबारा मीडिया मोड खोलना पड़ेगा, पूरा GoPro बाहर निकालना पड़ेगा, फिर आप बैटरी निकालेंगे, फिर आप दोबारा इंसर्ट करेंगे और आप दोबारा इसको मीडिया मोड में फिक्स करेंगे, विच इज़ अगेन फाइन। बट जब आप अपना मीडिया मोड किसी ट्राईपॉड से कनेक्ट करते हैं, सी दे हैसल, लेकिन अगर आप अपना मीडिया मोड किसी ट्राईपॉड से कनेक्ट करते हैं जिसमें कि आप ये और फिर आप इसको ब्रैकेट को इसमें टाइट करते हैं, तो एक तो इसका जो विड्थ है ना ये बड़ा इट्स वेरी टीडियस टू ओपन, राइट? ये खुलता नहीं है, यहाँ जगह नहीं मिलती है आपको रोटेट करने के लिए। बट स्टिल एनीवेज वी कैन रोटेट दिस। देखो अभी क्या है ना कि अपन लोग एक तो डोर एक्सेस नहीं कर पाएंगे अगर ये कनेक्टेड है। आई मीन यू अंडरस्टैंड, हम लोग किसी व्लॉगिंग के बीच में हैं, आपका बैटरी ख़त्म हो गया तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सब कुछ अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। पहले आप ये सब खोलेंगे, पेज खोलेंगे, ट्राईपॉड हटाएंगे,
आपने यहाँ से डोर ओपन कर लिया और अब ये नीचे वाला जो हिस्सा है इसका बंद करना भूल गए तो भी आपका गोबरू बाहर नहीं आने वाला है। ई तो आप ये बंद करेंगे और फिर आप अपने गोबरों को बाहर निकालेंगे, फिर आप बैटरी चेंज करेंगे, फिर आप इसे दोबारा से इंस्टॉल करेंगे, फिर आप दोबारा ये सब ओपन करेंगे, फिर दोबारा आप ब्रैकेट लेके आएंगे, फिर आप ये लॉक करेंगे, फिर आप ट्राईपॉड पे लगाएंगे। तो ये जो प्रोसेस है ये बहुत बहुत टीडियस प्रोसेस है, बहुत बड़ा प्रोसेस है, मज़ेदार नहीं है, मतलब बहुत ईजी प्रोसेस नहीं है। सो दिस इज़ द ड्रॉबैक ऑफ दिस मीडिया मोड। खैर एनीवेज इसकी फंक्शनैलिटी की बात करते हैं तो साइड वाले बटन से आप इसको ऑन कर सकते हैं, जस्ट प्रेस 4-3 सेकेंड्स एंड ये हो गया आपका मीडिया मोड ऑन। देखो इस पे आपको ग्रीन कलर का बार दिख रहा है ना, सबसे बड़ा एडवांटेज मीडिया मोड का बस यही है कि अगर आप बोल रहे हैं तो आपको ये बताता है कि आपका माइक्रोफोन, आपका माइक कनेक्टेड है, राइट। अगर आप नॉर्मल गोप्रो में तो ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं आता है। तो कभी कभी क्या होता है कि आप एक्सटर्नल माइक यूज़ कर रहे हैं और पूरी रिकॉर्डिंग करने के बाद आपको समझ में आता है कि अरे बाबा ये तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, तो वो रिकॉर्ड नहीं होता है, कभी कभी मिस हो जाता है तो आपका सारा ऑडियो जो है वो ख़राब हो जाता है। अब इसमें रॉ ऑडियो यूज़ कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, वो थोड़ा टेक्निकल है, इतना टेक्निकलिटी में नहीं जाने का, तो मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इन दोनों में से मुझे बेहतर कौन सा लगा। तो मुझे डेफिनेटली उलानजी का केस प्लस माइक अडेप्टर वॉज मच बेटर। हो सकता है मैं दोबारा से वो बाय करूँ और इसी को यूज़ करूँ। अभी आप एक्सटर्नल माइक कैसे यूज़ करोगे? एक्सटर्नल माइक यूज़ करने के लिए आपको चाहिए वायर, राइट। तो एक वायर तो है जो मैं अभी अपने फ़ोन पे यूज़ कर रहा हूँ माइक लगा के, और दूसरी जो एक्चुअल वायर है वो लगनी है ये वाली वायर, राइट। अभी ये ध्यान से देखना, इस वायर के जो आगे का जो पॉइंट है ना, ये आगे जो दो पॉइंट है, ये सिर्फ दो स्लॉट्स हैं इसके अंदर। जो फ़ोन वाले होते हैं उसके अंदर तीन स्लॉट्स होते हैं, तो अगर आप तीन स्लॉट वाली वायर लगाएंगे ना इसमें तो वो पकड़ेगा ही नहीं, मतलब उसको आप लगाओगे उसमें लेकिन ऑडियो रिकॉर्ड नहीं होगा। इसको लगाओगे, देखो अभी 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 ये जा रहा है, क्यों जा रहा है? क्योंकि इसमें माइक कनेक्टेड ही नहीं है। तो मैं आपको जरा माइक लगा के दिखाता हूँ, थोड़ी सी फ़ोन में आवाज़ कम हो जाएगी बट आई थिंक बताना ज़्यादा ज़रूरी है। दिस इज़ दी एक्सटर्नल माइक दैट आई यूज़ फॉर माई वीडियोज़, मतलब ड्यूरिंग माई वीडियोज़ फॉर माई ऑडियो मैं यूज़ कर रहा हूँ बोया बाय MM1। दिस इज़ द बेस्ट रीजनेबल यू नो माइक, यू कैन यूज़ इट, नो प्रॉब्लम। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि माइक को अटैच कैसे करने का, ठीक है ना। ये आपने GoPro लिया, देखो इसका ये ग्रीन वाला बार काम कर रहा है, राइट। हेलो 1-2-3, तो इट इज़ वर्किंग, राइट। अभी अपन लगाते हैं, अरे बाबा रे, तो इसको ऑन किया और इसको अपने लोगों ने फिक्स कर दिया। अभी माइक में बोल के देखें, अरे माइक पर टच करें तो आवाज़ नहीं आ रही है। पता है क्यों आवाज़ नहीं आ रही है? इसका लॉजिक है, इसकी आवाज़ इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि मैंने जो वायर यूज़ की है ना वो स्मार्टफोन वाली करी है। ये देखो यहाँ लिखा है माइक्रोफोन और वही मैं आपको बता रहा था, ये लिखा है स्मार्टफोन। तो स्मार्टफोन का वायर यूज़ करोगे ना तो कोई आवाज़ नहीं आएगी, ज़ीरो। तो इसको हटाने का है, अभी ये आपको कोई बताएगा नहीं, मतलब सब आपको वीडियो दिखाएंगे लेकिन पूरा कोई नहीं बताएगा। तो मैं आपको कम्प्लीट बता रहा हूँ, ये आप यूज़ करोगे ये वाला स्पायरल वाला वायर ना, ये स्पेसिफिकली फॉर कैमराज है। तो आप इसको यहाँ पे कनेक्ट करो और अभी देखो जादू, ये देखो, अब देखो ये, आहा, हेलो हेलो हेलो, 1-2-3, 1-2-3। तो कहने का मतलब ये है कि एक्सटर्नल माइक आप मीडिया मोड के साथ यूज़ कर सकते हो, नो डाउट इन दैट। और मेरे ख्याल से ये माइक अडेप्टर जैसा ही काम करेगा अगर आप एक्सटर्नल माइक यूज़ करोगे। बिंदास यहाँ पे आप लगाओ और ठीक है ना, और ये आपका सेटअप तैयार हो गया। इतना सा सेटअप है, बढ़िया सेटअप है, ठीक है। ऑडियो क्वालिटी भी बोले तो ऑडियो क्वालिटी भी अच्छा है, मतलब मीडिया मोड, मतलब अगर आपने एक्सटर्नल माइक लगा ही दिया ना, एक्सटर्नल माइक लगा दिया फिर तो मीडिया मोड ले लो या आप माइक अडेप्टर ले लो, वो एक ही जैसा काम करेगा, अच्छा काम करेगा, बढ़िया काम करेगा। लेकिन पॉइंट है ईज़ का, एक्सेसिबिलिटी का। अब इसका ये एडवांटेज है कि बड़ा कॉम्पैक्ट सा दिखता है, आई मीन यू नो, देखो इसके अंदर कुछ नहीं करना, नीचे के इसके स्क्रूज लगाए, ट्राईपॉड लगाया, बात करनी शुरू करी, इट विल लुक गुड, इट लुक स्मार्ट, डिसेंट, यू नो, अच्छा है, सोफिस्टिकेटेड है।
अब ये सेटअप लगता है थोड़ा चाइनीज टाइप्स है ना, मतलब ये सेटअप थोड़ा सा मतलब अजीब सा है, कॉम्पैक्ट नहीं है बट यूज़फुल बहुत है। यहाँ से डोर ओपन करेंगे तो बैटरी का एक्सेसिबिलिटी है सबसे बड़ा फैक्टर, आपको गोप्रो पूरा बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो अभी आते हैं इनके प्रोज एंड कॉन्स पे। प्रो ये है कि ये बहुत कॉम्पैक्ट है, इजी टू हैंडल है और मतलब डिसेंट दिखता है। इसका इसका जो फील है, स्टडीनेस है, बहुत अच्छी है और गोप्रो का ओरिजिनल प्रोडक्ट है सो इट शुड बी गुड। कॉन्स ये है कि एक तो एक्सेसिबिलिटी में इट हैज़ अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, आपको पूरा यू नो आपको सब कुछ डिसेंबल करना पड़ेगा, आपको सब कुछ हटाना पड़ेगा, सारे स्क्रूज वक्रूज सब कुछ खोलना पड़ेगा और उसके बाद आप बैटरी एक्सेस कर पाएंगे, विच इज़ दी नीड ऑफ यू नो व्लॉगिंग, क्योंकि गोप्रो का बैटरी तो बहुत ज़्यादा नहीं चलता है भाई, मतलब थोड़ा चलता है आधे घंटे का, 35-40 मिनट भी ज़्यादा बोल रहा हूँ, इतने का ही बैकअप देता है, तो आपको बैटरी चेंज फ्रीक्वेंटली करना ही पड़ता है। और दूसरा कौन ये है कि इसका जो माइक्रोफोन है इसकी आवाज़, इसकी ऑडियो क्वालिटी इज़ नॉट दैट गुड, मतलब इतना ही कौन तो इतना ही है। तो एक तो एक्सेसिबिलिटी इज़ नॉट गुड और इसका ऑडियो क्वालिटी इज़ ऑल्सो नॉट गुड, जबकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप पैसे ले रहे हो GoPro, हेलो इफ़ यू आर लिसनिंग एंड आपका माइक अडेप्टर जो है वो ज़्यादा अच्छा काम करता है। हाँ ओलांजी केस आपको एडिशनल लेना पड़ता है, लेकिन एटलीस्ट यार ये मतलब GoPro का मीडिया मोड तो एटलीस्ट उसके लेवल का बनाओ ना कि किसी और को कुछ ना लेना पड़े। आपने GoPro मीडिया मोड बनाया, इसका माइक इतना बढ़िया होना चाहिए था कि एक्सटर्नल माइक लगाने का ज़रूरत ही ना पड़े, मतलब मुझे ऐसा लगता है। इफ़ यू आर पेइंग 8,000 bucks तो आई थिंक ऐसा होना चाहिए, इसमें क्या गलत है, बट इट इज़ नॉट हैपनिंग राइट। और इसमें ईज़ है, एक्सेसिबिलिटी बहुत अच्छी है राइट, और आपको GoPro को बार बार निकालना नहीं पड़ेगा और ऑडियो क्वालिटी विद माइक अडेप्टर इज़ फार बेटर देन एनी अदर सोर्स। माइक एक्सटर्नल माइक विद मीडिया मोड इज़ ऑल्सो इक्वलेंट टू द एक्सटर्नल माइक विद माइक अडेप्टर, the only difference is the accessibility of battery and कि अगर आपको माइक नहीं यूज़ करना है तो आप डायरेक्ट इस वाले माइक्रोफोन से बहुत अच्छा ऑडियो नहीं ले सकते हो। और दूसरी बात, इट कॉस्ट अस अराउंड 8,000 rupees और माइक अडेप्टर आपका है 4,000 rupees का और ये ओलांजी केस आपको मिलता है 1,500 rupees का, तो मोटा मोटा 5,500 के लगभग पड़ता है। और आपको एक माइक भी लेना पड़ेगा कि यार माइक तो आप उस इस पर भी यूज़ करोगे और मीडिया मोड पे भी यूज़ करोगे तो वो तो कॉमन एक्सपेंडिचर है, उसको नहीं डिस्कस करते, बट ये 5,500 का है, ये 8,000 rupees का है, तो 2,500 rupees का डिफरेंस है, लेकिन इसकी क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी और एक्सेसिबिलिटी इज़ फार बेटर देन दी मीडिया मोड। बाकी GoPro के रिव्यू की बात है तो वो अनमैचेबल है, इसका ऑडियो क्वालिटी इज़ दी ओनली प्रॉब्लम, अदरवाइज इसका वीडियो, इसका ईज़, इसको यूज़ करने का टाइम, तरीका, एवरीथिंग इज़ डैम गुड। मतलब किसी को व्लॉगिंग करना है ना तो GoPro से अच्छा कुछ नहीं हो सकता है, GoPro लो और निकल जाओ बिंदास। DSLR नहीं चाहिए, बहुत बड़े बड़े माइक्स नहीं चाहिए लगाने के लिए, और GoPro का ऐप आप डाउनलोड करो तो आपका डेटा जो है डायरेक्टली मतलब विदाउट एनी वायर ट्रांसफ़र हो जाता है, चाहे आप लैपटॉप में यूज़ करें, फ़ोन में यूज़ करें, कहीं भी यूज़ करें, सो दैट इज़ अ गुड यू नो फीचर ऑफ दिस GoPro। आई वुड रिकमेंड GoPro विद ओलांजी केस एंड द माइक अडेप्टर विद एक्सटर्नल माइक इंस्टेड ऑफ दिस सेटअप विद एक्सटर्नल माइक जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्सेसिबिलिटी इशू। और अगर आपको मीडिया मोड विदाउट एनी एक्सटर्नल माइक यूज़ करने का मन करे वो आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसका क्वालिटी इज़ नॉट दैट गुड, आई एम नॉट इम्प्रेस्ड विथ इट एट ऑल। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड फॉक्स, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल प्लीज सब्सक्राइब इट राइट नाउ, हिट द लाइक बटन एंड प्लीज डू लेट मी नो दैट ये रिव्यू आपके लिए यूजफुल था कि नहीं था। आई जस्ट ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि आपको बता पाऊँ क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है अमूमन इंटरनेट पर, सब मतलब कोई एक पार्ट बताता है तो दूसरा नहीं बताता है, तो आई जस्ट ट्राइड कि आपको सारी चीज़ें बताई जाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, आज कहीं जाने का मन नहीं था तो आई जस्ट थॉट कि एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर कर पाऊँ। सी यू इन द नेक्स्ट वन, पीस।